देखिए डांस प्लस सीजन 7 में काफी ज्यादा उथल पुथल होने वाले हैं। अगर आप डांस प्लस के फॉलोअर हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा और बहुत सारी छोटी बड़ी खबरें आपके लिए हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। इस बार डांस प्लस के ग्राउंड ऑडिशन काफी कम होंगे। इसका रीजन ये भी है कि दोबारा से कोविड आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, तो बच्चे लगभग पुरानी वीडियोस के थ्रू या फिर एकेडमीज के थ्रू ही उठाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं ऑडिशंस का पैटर्न क्या होता है। ग्राउंड ऑडिशन में भी वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी डांस कॉम्पिटिशन लड़े हुए होते हैं या जिस भी शहर में भाई आपके डांस ऑडिशन होते हैं वहाँ की जो अकेडमीज होती है वहाँ से बच्चे उठाए जाते हैं और पुश भी वही लोग करते हैं कि भाई हमारी अकेडमी से 5 जा रहे हैं, उसकी से 10-15-20 ऐसे करके ऑडिशन होते हैं। तो इस बार ग्राउंड ऑडिशन बहुत कम होंगे, आपकी डायरेक्ट वीडियो जाएगी या फिर भाई आपकी अकेडमी में के ऑडिशन होंगे, ऐसे इस बार आपको कहीं ओपन वेन्यू में ऑडिशन देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो इनका प्रोमो शूट होता है, जितने भी जजेस के फोटोशूट होते हैं, वीडियो होते हैं, टीजर बनते हैं, ट्रेलर बनते हैं, अभी तक एक का भी शूट पूरा नहीं हुआ है। और इस बीच सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है ये वो आ रहा है, जब शूट होगा तो कितने लोगों का होगा, क्या उसमें धर्मेश होंगे, सलमान होंगे, राघव होंगे, शक्ति होंगे, पुनीत होंगे, भाई इनमें से कौन होगा कौन नहीं होगा। क्योंकि देखिए सीधी बात है, रेमो तो आपको मिलेंगे ही, शो के सुपरस्टार हैं, उनकी क्रिएशन है ये शो। अब सबसे बड़ी तलवार लटक रही है दो लोगों के कंधों पर, पहला है आपका सलमान यूसुफ खान, दूसरा है आपका शक्ति। क्योंकि मेकर्स ने देख लिया पिछली बार धर्मेश को शो से निकाल कर कि भाई टीआरपी कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है। देखिए धर्मेश इज द वन जो आपको हर डांस रियलिटी शो पे दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलरिटी। अगर इनमें से सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर है लोगों के बीच में, सबसे ज्यादा इज्जत जिसने कमाई अपने डांस की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, तो भाई वो आदमी है धर्मेश। तो धर्मेश को शो से निकालने के चांसेस बहुत कम है। पिछली बार भाई डांस दीवाने के चक्कर में भाई फंस गए थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो देखते हैं सलमान जाते हैं शो से, शक्ति जाते हैं, 3 का पैटर्न रखते हैं या 4 जज का पैटर्न रखते हैं जो एक बार पहले हो चुका है। इसके जैसे कोई अपडेट आती है वो मैं आपको बता दूंगा। इससे अगली अपडेट थी कि राघव जुआल होस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो राघव जुआल डेफिनेटली होस्ट करने वाले हैं, अभी अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं, जैसे उनकी शूटिंग पूरी होती है वो आपको शो में मिलेंगे। हाँ, हालांकि कुछ एपिसोड्स को लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है क्योंकि राघव क्वारंटीन करना चाहते हैं अपने आप को जैसे ही शूटिंग मूवी की खत्म होती है, क्योंकि मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब आखिरी मैं आपको बता दूं कि शो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा या फिर सीधा स्टार प्लस पर इसको टेलीकास्ट किया जाएगा। देखिए जहां तक मेकर्स ने पिछली बार एक्सपीरियंस किया है चीजों को, आई डोंट थिंक सो कि वो इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर पहले रिलीज करने वाले होंगे, क्योंकि भाई पहले OTT पे आया, इतने लोग नहीं देख पाए। देखिए इंडिया में अभी भी तादाद बहुत ज्यादा लोगों की है जो TV देखते हैं, खासकर Tier 3 लोगों की, Tier 2 लोगों की TV बहुत ज्यादा देखा जाता है, फोन कम इस्तेमाल किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो भाई वहां से उनको वो ऑडियंस नहीं मिल पाई जो हर बार उनको मिलती है। उसके बाद जब आया वो TV के ऊपर तो लोगों ने कम देखा क्योंकि सब कुछ रिवील हो चुका था, भाई कौन जीता कौन हारा कैसे क्या हुआ किस किस की टीम है क्या क्या फन हुए, छोटे छोटे एलिमेंट लोगों ने यूट्यूब पर देख लिए थे, ये एक्टर आए तो क्या हुआ, ये एक्ट्रेस आई तो क्या हुआ, जिसके चक्कर TRP बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इस बार मेकर डेफिनेटली चाहेंगे कि वो TV पर पहले डालें, बाद में OTT पर, या फिर दोनों पर साथ साथ बना रहे। तो दोस्तों ये थी कुछ डांस प्लस सीजन 7 की अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन अपडेट्स से आपकी थोड़ी एक्साइटमेंट का लेवल अब बढ़ा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।